मंदिर में जाए पहले मस्जिद में जाए। का प्रवेश द्वार है, कैसे जाना होगा अंदर? आर्ट को हम भी सब्सक्राइब किए हैं। जी जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। स्वागत करता हूँ आज की एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। अवसर पर आपको, आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से, चंदन सोनियार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का प्लान है, चलने वाले हम कहाँ पे? आज चलेंगे हम मगहर में। अभी दाजी का महापरिनिर्माण स्थली वहाँ पे, अभी का बैग तैयार हो गया है, इसे चलेंगे हम। टाइम जो है 1:15 हो रहे हैं, मेले में चलते हैं। वहाँ पे बाइक हमारी तैयार ही है, इसे चलेंगे। ठंड की वजह से कपड़े भी अच्छे वैसे ने पहन लिए हैं, शानदार भी लगेगा। मगर चलेंगे वहाँ पे मेला में, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर प्रदर्शनी आई होंगी, घूमेंगे मेले में, कुछ खाएंगे कुछ पियेंगे, देखते हैं क्या क्या सारी चीज़ें आई हैं। तो देखिए क्या क्या होता है, बने ये पूरे ब्लॉग में, चलिए चलते हैं। आ गए चौराहे पे, कोई मिल जाए साथ में चलने के लिए, कोई मिल नहीं रहा है, देखते हैं। किसी को फोन करता हूँ। हेलो, हाँ अमर, कैसे हो? चलो मगध में घुमा ला है। हाँ, कहीं जा रहे हो? चलो ठीक है, मैंने कहा तुम्हें साथ में ले लूँ। तो तुम, मैंने दोस्त को फ़ोन किया, वो कह रहा है कि कहीं मैं जा रहा हूँ, अकेले आप जाइए। लड़का आ गया, क्या नाम है जी हमारा? सूरज कुमार। सूरज आ गया है मेरे साथ, चले। कहाँ चलोगे? हाँ चलते हैं इसी के साथ हम, पर बहुत अच्छा होगा। आ गए पेट्रोल पंप पे हम लोग, तेल डलवा लें, फिर उसके बाद हम चलते हैं। मगर मेले में आ गए, गाड़ी अपने यहाँ पे मैंने स्टैंड कर दी। भैया जी स्टैंड वाले हैं, क्यों? यस यस। कितना ले रहे हो भाई स्टैंड का? 10 रुपये। मगर आप यहाँ मगर में आ रहे हैं, गाड़ी आपकी स्टैंड हो जाएगी। पार्किंग का यह स्थल है, पार्किंग में एक विद्यालय है। चलिए मेले में घूमते हैं, मेले में क्या क्या सारी चीज़ें आई हैं सब कुछ देखने को मिलेगा। अभी शानदार लग रहा है यहाँ का दृश्य है, खरदला भी आया है, कुछ छोटे मोटे बच्चे भी आए हैं। Finally. हम आ गए हैं मगहर, यहाँ पे आज मगहर का लगा है मेला। चलते हैं मंदिर में, मेले में, और देखते हैं क्या क्या मेले में आया है। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। चलिए मंदिर में चलते हैं, मेले में। अभी आवाज़ आ रही है, एक घंटा 20 रुपया में, एक मिनट 5 मिनट। क्या बात है भाई, 20 रुपया में 5 मिनट बच्चों का खेलने का ही नाव। चलिए आगे चलते हैं। चलो ठीक है, ये छोटी छोटी ट्रेनें हैं, 20 रुपये में 10 चक्कर लगाएंगे मगर मेले में। भीड़ भी है यहाँ पे, देख रहे हो आप कितने मेले में लोग आए हुए हैं, क्राउड हो रहा है। आवाज़ साफ नहीं आ रही हमारी। आगे हम कबीरदास जी के पटना के पास, समाधि स्थल पर। ये सामने रहा मंदिर मजार, उसमें चलते हैं अंदर।
मजार के अंदर पर जाने का रास्ता दो तरफ से है, पीछे से भी है, तो हम लोग यही चलते हैं। पहले देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कबीरदास जी के बारे में आप पढ़ लेना जूम करके थोड़ा सा स्लो मोशन में। पहले मंदिर में जाए, पहले मस्जिद में जाए, कहाँ जाए पहले? मंदिर में। पहले मंदिर में चलते हैं, पहले मंदिर चलते हैं हम। पहले मंदिर में जूता पहले निकाल दें, जूता निकालने के बाद ही अंदर चलेंगे, है ना? दोस्तों मंदिर के अंदर कबीरदास जी के द्वारा रचित बहुत सारे दोहे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। रुक जाओ, बारी बारी जाओ। तो ये रहा कबीरदास जी का मंदिर, आप देख सकते हो कितने इधर से आओ, यहाँ पे कुछ चढ़ाया भी, खिचड़ी आज चढ़ाया जा रहा है, है ना महाराज जी? खिचड़ी चढ़ाया जा रहा है ना? हाँ, यहाँ पे बड़ा सुकून का समय है, आप देख सकते हो यहाँ पे खिचड़ी चढ़ाई जा रही है, खिचड़ी बड़े श्रद्धा भाव के साथ लोग चढ़ा रहे हैं। अब चलते हैं इनके मजार पे। काफी लोग मंदिर की परिक्रमा भी करते हैं, परिक्रमा चारों तरफ से परिक्रमा भी है, और पास में पूरा खाली एरिया है यहाँ, आगे बाहर ठीक है। प्रसाद हम लोग ले लिए, प्रसाद लीजिए भाई, हाँ खाइए। अब चलते हैं मजार में, है ना? मजार पे कबीरदास जी के, यहाँ पे हम लोग जूता निकाल ही देते हैं, क्योंकि मंदिर और मस्जिद दोनों समान ही होता है, तो दोनों में जूता निकाल के ही जाया जाता है और दोनों का सम्मान होता है। बहुत कम ही जगह है, इंतजार करना होगा। ये रहा इनका मजार। आप भैया यहाँ पे रहते हैं? क्या नाम भैया आपका? अली हुसैन जी। कब से हैं भैया यहाँ पे? हम पुश्तैनी। अच्छा पुश्तैनी। भैया जी यहाँ के महंत हैं, अपनी भाषा में आप बताएं भैया, क्या हैं आप यहाँ के? अच्छा मुतु मुकवल्ली आप यहाँ के खादिम हैं, आप यहाँ पे रहते हैं कितने साल से भैया? अच्छा पुश्तैनी। बनारस से मगहर लाए थे। अच्छा उनके शिष्य। अच्छा यानी कबीरदास जी को बनारस से जो यहाँ पे लाए थे उनके आपसे अच्छा उनके घराने से हैं कबीरदास जी को जो यहाँ पे लाए थे उन्हीं के घराने के ये मुतवल्ली हैं। और हमारे शब्दों में थोड़ा सा गलत हो सकता है, आप लोग सुधार कर दीजिएगा, क्योंकि मैं उच्चारण सही नहीं कर पा रहा हूँ। यूँ कह दीजिए यहाँ के ये महंत हैं। जी आ गए हम, घरा देखिए कबीरदास जी के मजार से बाहर पासी में कबीरदास जी का जो उनके बेटे थे कमालुद्दीन शाह, उनका भी एक छोटा सा मजार है, अरे बंद है, चलते हैं उधर। मेले में चलेंगे अभी बाद में, लेकिन पहले चलते हैं जहाँ पर पीछे पार्क नुमा है वहाँ पे चलते हैं हम लोग। इधर बागवानी भी है, लग रहा है गुफा वही है, गुफा के पास हम लोग चला जाएगा, है? हाँ शानदार तो लग रहा है ना। आज हम लोग पूरा घूमेंगे पूरा मगहर जो कबीर धर्म स्थली है ना। यहाँ पर दोस्तों कुछ लिखा हुआ है इनके बारे में, आप लोग स्लो मोशन करके देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, ऐसे मैं पढ़ूंगा तो पूरा बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। आए चलते गुफा में, ये देखो कबीरदास जी कितनी अच्छी अच्छी ये बनी हुई चित्रकारी, खुलता नहीं है का भाई? यहाँ के महंत जी यहाँ बैठते हैं, देखिए बाबा जी ने खोल दिया, अंदर बैठने का स्थान है, कल स्पेशल उनके लिए है ना, देखिए आप। ये गुफा का प्रवेश द्वार है, आइए गुफा में प्रवेश करते हैं।
ये प्रवेश द्वार गुफा है, यहाँ क्या हुआ था बाबा जी बताइए। अच्छा कबीर जाकर गुफा स्थान है, यहाँ पर कबीर दास जी ने क्या किया था? भजन ध्यान कर। हाँ सुखराम दास। सुखराम आपका नफा कहाँ है बनोला? कबीर साहब का एक गुफा स्थान है, यहाँ भजन ध्यान करता ना शांति के लिए बैठक रहना। हाँ कबीर साहब के मुख्य स्थान गुफा स्थान। बड़ी उम्र हो गई आपकी, बहुत आपने सेवा की दोस्तों, बहुत सुंदर लगा। आने के बाद यहाँ के बाबा जी ने प्रसाद दिया और शानदार लगा। यहाँ पे आने के बाद चलते हम लोग ऊपर। यहाँ पर आने के दो रास्ता है, किधर आने के लिए इधर जाने के लिए, आने जाने दोनों जा सकते हैं, आ भी सकते हैं ना। चलिए चलते हैं ऊपर, गुफा में आ गए हम लोग, गुफा से बाहर। बहुत ही सकरा रास्ता था, हम लोग वहाँ पे गए थे देखे थे। चलिए पहले यहाँ पे घूमते हैं इसके आस पास और क्या क्या है यहाँ पे माता के स्थान पे। ये यहाँ पे एक दोहा लिखा हुआ है, यह तो घर है प्रेम का, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीश काटे भूई धरे तब बैठ घर माही। कबीर दास जी का क्या क्या दोहा लिखा, माटी कहे कुमार से तू क्यों रोधो मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोधूंगी तो। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे उनके कबीर दास जी के दोहे लिखे हुए हैं। यहाँ पर तो मुझे याद है, गुरु गोविंद दो खुरे काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दो बताया। बहुत अच्छे अच्छे इनके दोहे लिखे हुए हैं, जो भी प्रेरणा स्रोत हैं, लोग अच्छे अच्छे लोग शोध भी करते हैं इनके दोहे पे। और अभी पास ही में एक इनका एकेडमी है, वहाँ भी चलते हैं और एकेडमी पर देखते हैं कि कैसा लगता है वहाँ का अनुभव। काफ़ी लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, कुछ लोग इन्जॉय कर रहे हैं, मैं भी आज इन्जॉय ही करने आया हूँ, है ना, आपके साथ। संत कबीर अकादमी शोध संस्थान, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी शांत माहौल है। उधर तो भीड़ हल्ला हो रहा है पूरा बहुत सारा, एक लड़का मेरे साथ है, मजाक कर रहा है हमारे साथ, उसको मैंने वहाँ भेज दिया। एक महाराज जी यहाँ पे, महाराज जी से पूछते हैं, प्रणाम महाराज जी, ये बताएं ये क्या बना है या कब से ये इसका शिलान्यास होगा, कब खुलेगा? ये डॉक्टर के डिग्री के लिए ये बना हुआ है। डॉक्टर की डिग्री के लिए बना हुआ है। अच्छा इसमें अभी बंद रहा, सब लोग जा सकते हैं नहीं जा सकते? अभी तो बंद है, गेट खुला होगा तो जा सकते हैं। वो उधर से, वहाँ से गेट वहाँ से है, वो बैठे हैं वहाँ से। अच्छा अच्छा वहाँ से घूम सकते हैं। अच्छा अच्छा वहाँ से पूछ के हैं। हाँ वैसे तो मेन गेट तो बनेगा यहाँ पे। अच्छा, ये बना जो। हाँ 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 ठीक, बहुत अच्छा आपने बताया। कब से ये बंद रहा? ये अभी जल्दी बना हुआ है। आपकी जानकारी? ना तो ज़्यादा दिन पर आए हैं और ये बना अभी जल्दी। और जल्दी बना, बहुत बहुत धन्यवाद बना जी आपको। उधर तो देखते हैं हम, पूछ के कैसे जाना होगा अंदर? वो उधर मोटरसाइकिल खड़ी वहाँ पे बैठे हैं। तो दोस्तों अंदर चलते हैं, अगर हो सकेगा जाने को मिल सके तो चलते हैं अंदर, दिखाते हैं कैसा ये शोध संस्थान दिख रहा है। वैसे पास से यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसा लग रहा है, काफ़ी दूर दिख रहा है, अभी पास में आने से बहुत शानदार दिखेगा। जो है यहाँ पर खुला नहीं है आम आदमी के लिए, अभी यहाँ पर कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो सिक्योरिटी के पर्पज से, तो हम अंदर नहीं दिखा पाएंगे, बस बाहर से ही आपको यहाँ से दिखा रहे हैं जो यहाँ से दिख रहा है। संत कबीर अकादमी सोन संस्थान, इसकी जो शिलान्यास जब हो जाएगा तब अंदर जाने के लिए रास्ता मिलेगा, वैसे कोई भी अभी यहाँ जा नहीं सकता। म्यूजिक कर रहा है, बार बार वीडियो बना रहा है, जब मैं बोल रहा हूँ क्या बना रहा है, व्हाट्सएप से कॉलिंग कर रहा हूँ। ये देखिए ये लड़का है मेरे साथ आया है और व्हाट्सएप पे इनको कॉल करा रहा है, देखिए, है ना। अब इंतजार की घड़ी आपकी खत्म हुई, चलते हैं अब मेले में, देखते हैं मेले का बढ़िया क्या क्या आया है मेले में। वाओ क्या बात है,
तरीके से हम लोग बाहर आ गए। बहुत ही क्राउड है यहाँ पे मेले में, ये मेला लगभग 4-5 दिन तक रहेगा। अभी हम आप लोग आ गए हैं कहाँ पर, इस मजार के पास ही में आमी नदी पास ही में। तो दोस्तों आ गए इस नाव के पास, नाव के ये जो है मालिक है, नाविक है। कितना किराया भाई? 30 रुपया। 30 रुपये घंटा, 30 रुपये का किराया देकर के मगहर में लोग इस नाव की सवारी कर सकते हैं। 30 रुपये में क्या करोगे भाई, चक्कर घुमाओगे कि घंटा क्या? नहीं, यहाँ से एक राउंड जाएगा वहाँ तक, पुल तक। अच्छा, यहाँ से एक राउंड उस पुल तक, पुल बहुत दूर है लगभग, नहीं तो 200 मीटर तो है ही, 200 मीटर जाने का कल 30 रुपये हैं। एक साथ कम से कम 30-32 लोग, 30-32 लोग एक साथ इस नाव में ले जाने की कैपेसिटी है ना। चलो ठीक है, हम नाव में बैठ के दिखाते हैं कैसा लगता है नाव में। और बैठ जाओ, बैठे कोई सुनते नहीं है, समुद्र में चोट लगे। ये क्या बात है, देखो दोस्तों ये है नाव पे बैठने का असली आनंद। लोग नाव में घूमने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आओ हमारे यहाँ तब फिर घुमाते हैं। अपने यहाँ का इतना बढ़िया है कि वहाँ पे लोग दिन भर लगे रहेंगे, दिन भर है ना। आओ हमारे यहाँ, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, मिलते हैं फिर तवेसनाथ में। तो ये रहा नाव में, तो यहाँ पे माए कुछ लोग नए दोस्त भी मिले, काफ़ी अच्छा लगा उन लोगों से मिल करके। अरे सर, आप देख सकते हो यार, तो हम भी सब्सक्राइब किए हैं जी और जी। आपका वीडियो देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, आप बड़ी बड़ी जगह का एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि अभी हम लोग मगार में आ चुके हैं जी। तो आपका वीडियो हम कई साल से देख रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? सुब्रत। सुब्रत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी वीडियो देखने के लिए, ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू सर, थैंक यू। अब बहुत अच्छा लगा जैसे मिल करके, जय श्री राम। और चलते हैं हम ऊपर, पास ही में एक मंदिर और, ये देखो कितना लंबा चौड़ा। दोस्तों इसी आमी नदी से सटे पास में यह मंदिर, आइए चलते हैं मंदिर में अंदर, देखते हैं क्या क्या है मंदिर में। मंदिर में देखो आप कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियां हैं, गणेश जी हैं और लक्ष्मी जी हैं, यहाँ पे आरती भी लिखा हुआ है, हनुमान जी, वाह, बीच में शंकरानंद पिंडी है। बहुत ही शानदार लगा यहाँ का अनुभव, शानदार, बहुत ही शानदार अनुभव है ही यहाँ का। एक तो जनवरी का महीना है, दूसरे आमी नदी इतनी साफ है, क्या बताऊँ, आमी नदी का विस्तृत वर्णन आपको सब जगह देखने को मिलेगा। मेला काफ़ी भरा पड़ा हुआ है, गाड़ी के मारे जो यहाँ पे स्टैंड मालिक, क्या नाम है, एक बार फिर से नाम बता दो। मेरा नाम अभिषेक यादव है। अब बताओ दोस्तों को क्या कहना चाहोगे हमारे वीडियो के बारे में? इनका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इनका वीडियो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, चलते हैं, ठीक है, थैंक यू। लोग आके घर पे, ठंडी लग रही है। आते आते हम लोगों को बहुत ही रात हो गई, लड़के को जो लाया था उसको चौराहे पे छोड़ दिया, बहुत अच्छा लगा। अब खाना खाएंगे और आराम थोड़ा करेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद होगी, पसंद आई होगी तो चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर।